लड़ाई हम पकड़ लेते हैं ना कि रकीबों से इसी बात का लड़ाई था और इसी का इंसाफ मिला हो गया चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बहुचर्चित तारा सहदेव प्रकरण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पर तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जहां पर जो दोषी है उसमें रंजीत उर्फ रकीबुल है और उसकी माता कौशल्या रानी है, और हाई कोर्ट से बर्खास्त जो रजिस्ट्रार है मुश्ताक अहमद, उसको दोषी करार दिया गया है। और जो सज़ा के जो बिंदु पर है 5 अक्टूबर जो है वो तय निर्धारित किया गया दिनांक, यानी 5 अक्टूबर को वो सज़ा पर बिंदु पर फैसला होगा कि क्या सज़ा होगी। क्या फैसला आया है, कौन कौन से ऐसे सेक्शन में जो है वो आज कंप्लेंट किया है? जी, तारा सहदेव ने जो कंप्लेंट किया था उस कंप्लेंट पे पहले झारखंड पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल किया, उस पर ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद आज रकीबुल को 396(2)(NIPC), 496(298)(323)(405)(06) और 120(B) के तहत कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा। कौशल रानी को 298(323)(506) along with 120(B) में कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा, और मुश्ताक अहमद को 298(along with 120B) IPC में कन्विक्ट किया गया है। सेंटेंसिंग की पे बहस 5 तारीख को 5 अक्टूबर को होगी, उस पर चर्चा उस दिन। सर, ये पूरा मतलब कितना बरस लग गया? 9 साल लग गए इस ट्रायल को कंप्लीट होने में, FIR से लेकर के आज के दिन। सीबीआई के द्वारा जो 26 गवाह पेश किए गए थे वो गवाह काफी महत्वपूर्ण रहा है आरोपियों को दोष साबित करने। आखिर न्यायालय ने अगर इस मुकाम पे पहुंचा है, सबको कन्विक्ट किया है, अभी हम लोगों ने जजमेंट नहीं देखा है, जजमेंट में कैसे क्या किसने क्या एविडेंस दिया, कैसे कोर्ट ने उसको माना है, लेकिन बिना गवाह के बिना सीबीआई के मेहनत के न्यायालय किसी को कन्विक्ट नहीं करता। अगर सफिशियंट एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं होते तो न्यायालय उनको कन्विक्ट नहीं करता। मैक्सिमम जो सेक्शन उसमें कन्विक्ट पाया गया नहीं, सजा पे बात हम लोग 5 तारीख, लेकिन कुछ सेक्शंस में इसमें बरी भी किया गया है, तो सेंटेंस के पॉइंट पे जो सुनवाई होगी उसमें हम लोग सेंटेंस के पॉइंट में देखते हैं क्या वो आता है उस पर, और फाइनली हम लोग हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करेंगे इसके अगेंस्ट। अपील देखिए, मामला तो ये है कि 498A का मामला था, वाइफ हस्बैंड का डिस्प्यूट था, लेकिन चूँकि मामला इस तरह से हाइप कर दिया गया था और उस पर बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई उसके अंदर में आई थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, जबकि स्टेट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट ऑलरेडी सबमिट हो चुका था, इवन ट्रायल जो है सो एट द फेग एंड था स्टेट गवर्नमेंट का जो चार्जशीट था उसके बेसिस पर, लेकिन सब्सिक्वेंटली सीबीआई इन्वेस्टिगेट की है एंड देर आर सर्टेन सीरियस एलिगेशन उसमें लगाया गया था, कन्विक्शन हुई है, हम लोग देखेंगे अपील करेंगे अगेंस्ट दैट ऑर्डर। हालांकि अब आपको बता दें कि तारा सहदेव जो प्रकरण है वो बहुत पुराना मामला है, वर्षों पुराना, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 9 साल जो है ये मामला चल रहा था। ये मामला जो है चलते चलते सीबीआई ने अपने ऊपर ये केस को टेक ओवर लिया, और टेक ओवर लेते हुए आज सीबीआई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। हालाँकि हम आपको बता दें कि इस मामले पर जिस तरह से फैसला आया है, इस मामले पर तारा सहदेव जो है उन्होंने ये कहा कि अंतिम जो है अब हमें न्याय मिला है, लेकिन दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और वही बचाव पक्ष के वकील ने भी कहा है कि अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि ये जो मामला है ये हाई प्रोफाइल मामला था, और ये मामला जो है वर्षों पुराना, यानी 9 वर्षों से ये चला आ रहा था, और तीन आरोपी जो है ट्रायल फेस कर रहे थे, और ट्रायल फेस के दौरान जो है आज फैसला सुनाई गई है, जहां पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और 5 अक्टूबर को सज़ा तय होगी। अब देखने वाली बात होगी 5 अक्टूबर को जब सज़ा तय होगी तो इन दोषियों को क्या क्या सज़ा होती है, तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज रांची से। मैं मोहन कुमार।